नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बिग बॉस 12 के घर में चल रहा था कैप्टेंसी टास्क, जिसमें रोहित सुचांती सुरभि राणा को कैप्टन बनाने की जुगत में लगे थे। लेकिन इस दौरान रोहित सुचांती ने कुछ ऐसा किया जिससे घर वाले भी हैरान रह गए। सिर्फ घर वाले ही नहीं, बल्कि बिग बॉस 12 को देखने वाला हर दर्शक हैरान रह गया। दरअसल रोहित सुचांती ने टास्क के दौरान टॉयलेट कर दी। दरअसल रोहित सुचांती सुरभि राणा को कैप्टन बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सुरभि राणा की तलवार के पास खड़े थे। टास्क के तहत रोहित सुचांती उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे में रोहित सुचांती ने गार्डन एरिया में घर वालों के सामने टॉयलेट कर दिया, लेकिन सुरभि राणा के लिए वो डटे रहे और खड़े रहे। हुआ कुछ यूं था कि टास्क के दौरान रोहित सुचांती को टॉयलेट आने लगी और वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। इसके बाद श्रीसंत और रोमिल ने जब देखा तो उनका ध्यान गेम से हटाने की कोशिश की। रोमिल चौधरी और श्रीसंत ने रोहित सुचांती का मजाक बनाया और उनसे कहा कि वो गेम को छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि रोहित सुचांती ने ऐसा नहीं किया। रोहित सुचांती को करणवीर वोहरा ने सपोर्ट किया और करणवीर वोहरा ने अपना दिमाग लगाया, जिसके बाद दीपक ठाकुर ने रोहित को ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बाद ब्लैंकेट के अंदर रोहित सुचांती ने कुछ ऐसा किया जिससे घर वाले हैरान रह गए। रोहित सुचांती ने बॉटल में टॉयलेट किया, जिसके बाद वहां खड़े घर वालों को उनसे चिढ़ हो गई और इसके बाद घर वालों ने हंगामा भी किया। हालांकि रोहित सुचांती को इससे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो सुरभि राणा को कैप्टन बनाना चाहते थे। हालांकि वो बात अलग है कि इस हफ्ते घर का कोई भी कैप्टन नहीं बन पाया, लेकिन रोहित सुचांती ने जो कोशिश की वो काबिले तारीफ थी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।